आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राम की पैड़ी से इंडिया टीवी की अखंड कवरेज मेरे राम आए हैं। मेरे राम आए हैं, उनका स्वागत कैसे अयोध्या में किया जा रहा है इसकी तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन इस बार मेरे साथ मौजूद हैं कैसे खास मेहमान जो अपनी नजरों से प्रभु श्री राम को आप तक पहुँचाते हैं, जो राम के एक एक पाठ को आप तक पहुँचाते हैं, घर घर में पहचाने जाने वाले कुमार विश्वास इस वक्त मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है कुमार विश्वास जी आपका इंडिया टीवी पर। बल सियावर रामचंद्र भगवान की। अयोध्या नगरी में आप हैं, मैं हूँ, एक पावन सा एहसास है। अयोध्या में एक तरफ भगवान श्री राम पर सभी का विश्वास बढ़ रहा है, तो वहीं कुमार विश्वास जी के राम कैसे दिखते हैं, अयोध्या में आकर उन्हें कैसा लग रहा है ये बताइए सबसे पहले। जो लोग पूछते हैं कि अयोध्या में क्या मिलेगा, उनको बताता हूँ। मेरा कंठ 20 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूँ तो इसलिए खराब है, तो मुझसे लोगों ने कहा कि कार्यक्रम बंद कर दो, तो मैंने कहा राम काज कीने बिना, किसी ताके रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे, सीता के रघुनाथ लखन के। जब तक सब नहीं गाओगे मैं रात भर यही सुनूंगा, है ना, स्पीकर को खोलो। के सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे, सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे, आ जाओ सब, आ जाओ सब, चले आओ सब, आ जाओ सब, आ जाओ इस जगह सभी को, अपने अपने राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम तालियों के साथ गाओ, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, मुझको मेरे राम मिलेंगे, तुझको तेरे राम मिलेंगे, राम मिले, हाथ उठाकर, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, बोल सियावर रामचंद्र। तो अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं और आज आप और मैं दोनों ही सरयू तट पर हैं। सरयू की क्या महिमा है रामायण में, रामचरितमानस में, इसे शब्दों में कैसे बयां करेंगे, इसे शब्दों में कैसे बताएंगे, इस एहसास को कैसे बताएंगे? देखिए, ये माता सरयू हैं, गंगा देव नदी है, त्रिपथ गा है, तीनों लोकों में विचरण करती है, लेकिन गंगा को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी भगवान के चरण छूने के लिए। ये इतनी सौभाग्यशाली है कि जिस दिन भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया, उनके मुंह में जो पंच तत्वों में से पहला जल का बिंदु गया वो इस माता का दूध गया जो पीछे बह रही है। और भगवान ने अपना सांसारिक जीवन समाप्त करने के बाद जब अपने लोक के लिए प्रस्थान किया तब भी इसी माँ को चुना अपना शरीर सौंपने के लिए, तो इसकी धारा में वो नीली माटी समाई बड़े ठाकुर की, जो यहाँ तो डूबी लेकिन यमुना में जाके छोटे ठाकुर बन के बाहर निकल आए। प्रभु श्री राम का मंदिर कुमार विश्वास जी 500 साल के लंबे इंतजार के बाद बन रहा है, तमाम सनातनियों का जो एक लंबा संघर्ष था वो खत्म हो रहा है, ये एहसास कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, राम मंदिर के लिए आप क्या कहेंगे? हमने पहला आंदोलन अपने जीवन में युवावस्था में किशोरावस्था में वो यही आंदोलन देखा, तो हमने वो बेचैनी भी देखी है, अशक्तता भी देखी है। मैं यहाँ जब जब आया तब भी आया जब यहाँ अवांछित पत्थर थे उगे हुए जो बाद में जिनकी सफाई हुई, मैंने तब भी देखा, उस समय क्रोध आता था, बहुत गुस्सा आता था। फिर भगवान टेंट में देखे, उस समय ग्लानी होती थी खुद पर कि 200 करोड़ लोगों का इष्ट देव, दुनिया के 800 करोड़ लोग जिसे आदर्श मानते हैं,
और कैसे विवाद में फंसा दिया गया। ये देश महान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मेरे को कोई गाली देता है, फेसबुक पे गाली देता है, कोई मुकदमा कर देता है, कोई एफआईआर करा देता है, मैं बुरा नहीं मानता। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं मान, मैंने कहा मैं इसलिए नहीं मानता, हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, इन्होंने भगवान नहीं छोड़ा, उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया, भाई बताओ आप। उनतीस साल भगवान कोर्ट में खड़े रहे, अपना मुकदमा लड़ते रहे, है ना। और देखो कितना महान देश है हमारा। जब अंतिम दिनों में मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई तो कोर्ट बंद हो गया। तो हमने जज साहब को फोन करा कि भाई अगर राम जी नहीं हुए तो छुट्टी किस बात की करी, और छुट्टी करी है तो हुए ही होंगे, फिर झगड़ा किस बात का है। लेकिन लोग लगे रहे राजनीति में, इससे चुनाव का वोट का मुद्दा देश की राजनीति ने बनाया। कुछ लोगों को इससे फायदा हुआ, कुछ लोगों को नुकसान हुआ। समय रहते दोनों पक्ष समझ जाएंगे कि राम राजनीति के लिए नहीं है, राम राष्ट्रनीति के लिए। सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला हुआ, लेकिन लोग हैं यहाँ पर अयोध्या में जिनकी जबान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम रहता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम रहता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो शायद ये पल ये मौका नहीं आ पाता इतनी जल्दी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको कि आप चैनल में काम करती हैं, कल को चैनल के सीईओ आपको बुला के कहे कि 1 लाख से आपकी सैलरी 10 लाख की जाती है, तो आप बहस करेंगी, कहेंगी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया कि इसने बनवाया कि उसने बनवाया, कार सेवक के बलिदान ने बनवाया, सब एक तरफ, बन रहा है बन गया, बस बस। विवाद तो राम मंदिर को छोड़िए प्रभु श्री राम पर किया जा रहा है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु श्री राम क्या खाते थे, प्रभु श्री राम कैसे दिखते थे, प्रभु श्री राम की मंदिरों में पूजा होगी कि नहीं होगी, प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा, इस बहस में भी उलझे हुए हैं। जो राजनीतिक लोग हैं उन पर टिप्पणी करके मैं अपने पुण्यों का क्षय नहीं करना चाहता, पहली बात है। दूसरे, अगर हमारे परम पूज्य सनातन धर्म की पितामह पीठिका शंकराचार्यों द्वारा कोई बात है उस पर टिप्पणी करने का अधिकार एक सामान्य सनातनी के नाते मुझे नहीं है। वो घर के बड़े हैं। कई बार क्या होता है, शादी में मंगल के अवसर पर लड़के जो है वो ऊधम काटते हैं, बैंड मंगा लो डांस करेंगे, बुजुर्ग डांटते रहते हैं, अबे बदतमीजी मत करो, ऐसा करो वैसा करो, बुजुर्ग डांट रहे हैं बच्चे ऊधम काट रहे हैं। प्रभु श्री राम का वर्णन आज अयोध्या में मिल रहा है, अयोध्या के हर गली मोहल्ले में प्रभु श्री राम की जो झांकी है वो अविश्वास जी देखने को मिल रही है, और ऐसे में आपके शब्दों के जरिए प्रभु श्री राम को हम समझेंगे तो इससे अच्छा मौका क्या होगा। राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, एक बार आप सुनाए। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, लेकिन मैं एक गीत की एक पंक्ति सुना के विराम दूंगा आप सबको, क्योंकि सुबह से घूम रहा हूं और आप देखती हैं कि मैं अयोध्या में चप्पल नहीं पहनता, और जब भी अयोध्या आता हूं तो जूते नहीं पहनता। मुझे लगता है कि सरयू का कोई सा कण ऐसा भी हो सकता है जो भगवान ने भी छुआ हो और हमारा भी स्पर्श हो जाए तो हम भी थर जाए, जीवन धन्य हो जाए, इसलिए पहनते नहीं है। तो सबने गीत लिखे कि भाई भगवान आ रहे हैं, सजा दो द्वार, गलियां सही कर दो। तो मेरे मन में इस बात की जिज्ञासा पैदा हुई कि क्या अकेले भगवान ही आ रहे हैं, क्या मेरी माँ नहीं आ रही है, उसने भी तो कष्ट सहे हैं, कोई मेरी माँ की ओर से भी तो गीत गाए। इस देश में ऐसा होता है कि अक्सर माओं को छोड़ दिया जाता है, इस तरह बोलते नहीं है। तो युद्ध की आखिरी रात, रावण फिर तुम यहीं आ गए, पेट आगे करके पीछे हो, चलो इधर हटाओ इसका मोबाइल, चलो पीछे। युद्ध की आखिरी रात भगवान के शिविर में माता बैठी हुई है, 14 साल जंगल में दोनों घूम चुके हैं, क्या कहा होगा, आप सब गाइएगा, मेरा गला खराब है और इसके पेट का ध्यान रखना, स्पीकर के सामने ना आए।
इसको इसको आप योग सिखाओ, इसका पेट निकला हुआ है। सुनिए क्या कहा माता ने, पहली पंक्ति गाइए कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब गाओ यार, चलो अब लौट चले रघुराई, जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में हमने उमर खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। एक कैमरा दिखा सके तो कितना प्यारा गा रहे, क्यूट, कितने सुंदर है तीनों ये बच्चे। तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको विभीषण को भी, सुग्रीव को भी, पांच कालिदास मार्ग लखनऊ वालों को भी, सात रेस कोर्स दिल्ली वालों को भी, तुमने सबको महल दिलाए। अगली लाइन पर 500 साल का गुस्सा, आपकी आवाज और तालियां, सुनना धीमे से बोलूंगा कि तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको कहा किसी के भवन गिराए, कहा किसी के भवन गिराए, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर। एक छोटा सा सवाल पूछने में इस देश की राजनीति 75 साल से हकला रही है, चैनल हकला रहे हैं। दो लाइन का सवाल है, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर। तुमने सबको महल दिला, एक पगड़ी है इसमें, एक गुरुद्वारा है मेरे साथ, एक मेरा सिख वीर खड़ा हुआ है, इनका सूरज तपा है, दशमेश पिताजी का बेटा है ये, रणजीत सिंह जी के कारण बगदाद से आगे भी पठानों के पजामे ढीले हो जाते थे, लेकिन आ पूरी दुनिया में एक गुरुद्वारा ढूंढ के नहीं ला सकते जो किसी के धर्म स्थान को तोड़ के बनाया गया हो, बताइए इनमें कम ताकत थी। कहा किसी के भवन गिराए, कहा किसी के गाओ भवन, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, हम दोनों के धाम डहाए, हम दोनों के पांच सदी से सब व्याकुल थे, पांच सदी से सब, पांच सदी से सब व्याकुल थे, पांच तुम उनके दुख में आकुल थे, तुम उनके दुख, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, आज उन्हीं प्रभु कैसी अवध सजाई, चलो अब लौट चले, हाथ लगे, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले, बोल सियावर रामचंद्र भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार विश्वास जी आपका। तो देखिए सनातन का स्वर्णिम काल और कैसे जश्न मनाया जा रहा है अयोध्या में, वो आपने देखा। इंडिया टीवी पर अखंड कवरेज लगातार जारी है।